तो आपने देखा मैंने वेस्टर्न कीबोर्ड जो है थोड़ा सा ट्राई किया है, जैसा कि आज का टॉपिक भी है कि क्या आपको एक अच्छा सिंगर बनने के लिए ये वेस्टर्न का नॉलेज आना ज़रूरी है क्या। मुझे थोड़ा बहुत जैसा आता मैंने आपको बजा के बताया, तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वेस्टर्न कीबोर्ड सीखें प्रॉपरली और गिटार जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं क्या वो भी आपको सीखना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं, पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या ये कीबोर्ड या ये गिटार जो है ये ज़रूरी होता है एक अच्छा सिंगर बनने के लिए। गिटार एक बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध वाद्य, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस इंस्ट्रूमेंट है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज का यूथ जो है सीखना चाहता है, जो आज का यूथ ये सोचता है कि सिंगिंग के लिए अगर कुछ ज़रूरी है तो वो गिटार है। तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गिटार आता है तो ही एक आप अच्छे सिंगर कहलाएंगे या एक अच्छे सिंगर बन पाएंगे या सिंगिंग सीखने के लिए गिटार की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है जो लोग नहीं सोचते, जो मैं बता दूँ कि गिटार, सिर्फ गिटार सीखने से कुछ नहीं होता है, आपको सिंगिंग आनी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक अच्छे गिटारिस्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छे गिटार प्लेयर हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक अच्छे गिटार संगत कर सकते हैं, किसी के साथ गिटार बजा सकते हैं। लेकिन अच्छा गिटार बजाते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा गाते हो। लेकिन एक आम इंसान की, एक लेमैन के अगर नज़रिए में मैं कहूँ तो वो यही समझता है कि जिसके हाथ में गिटार है वो बहुत ही बखूब गाता होगा, बहुत ही अच्छा गाना गा लेता होगा, या फिर वो जैसा भी थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा जैसा भी गाता है उसको बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में गिटार है, वो गिटार पे गा रहा है। और गिटार एक ऐसा ट्रेंड है, ये समझ लीजिए कि भाई गिटार बजाना, घूमना, तो एक होता है ना कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भैया हम थोड़े वेस्टर्न हो गए, पर ऐसा नहीं है। आपकी जो गायकी है वो प्रथम है, जैसा आप गा रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगर बनने के लिए गिटार या कीबोर्ड आना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि वेस्टर्न का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज का जो संगीत बन रहा है वो बहुत ही जो है मोस्टली जो है वेस्टर्नाइज्ड है। हमारा इंडी म्यूज़िक जो है, इंडियन म्यूज़िक जो है, वो उसमें कम अक्स है उसका, लेकिन वेस्टर्न का ज़्यादा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बनती कॉर्ड्स पे हैं, वो सारी चीज़ें, अब गिटार आपके साथ में बज रहा है, आपके कीबोर्ड भी साथ में बज रहा है, तो अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप बड़े ही अधीन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ उन पर। ऐसा नहीं है, आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं, वो सारे आपके अकंपनिस्ट हैं, भले वो कीबोर्डिस्ट हो, भले वो गिटार प्लेयर हो। तो आपको मालूम होना चाहिए इतना तो कि यार इसमें क्या लगेगा क्या नहीं। क्यों मालूम होना चाहिए? ताकि आप उनको कंट्रोल में रख सकें। कंट्रोल में रखना इन द सेंस ये नहीं कि उनको डिमीन करना, उनको नीचा दिखाना, नहीं नहीं, पर क्योंकि आप एक सिंगर हैं तो आपके हाथ में लगाम होनी चाहिए कि भाई यहाँ ये चीज़ चाहिए, यहाँ वो चीज़ चाहिए, यहाँ ये कॉर्ड लगेगा, यहाँ ये कॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। कॉर्ड्स की नॉलेज कह लो, या थोड़ा बहुत वही कॉर्ड्स गिटार पे भी बज रहे हैं, वही कीबोर्ड पे भी बज रहे हैं कॉर्ड्स, तो उनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको अभी अगर बताऊँ, जैसे हम जो सारे गा मा पा धा नि सा देखते हैं, जैसे ये हमारा अगर पहली काली का सा है, तो हम जानते हैं कि इसका कॉर्ड क्या बनता है, सा ग प, है ना, आप सुन पा रहे होंगे साउंड इसका। अब यही सुर जो है, यही कॉर्ड कितने प्रकार से बन सकता है, एक ये भी बनता है, ये भी बनता है, है ना, आप देख रहे हैं, ये प सा ग से भी यही कॉर्ड है और सा ग प से भी यही कॉर्ड है, ग प सा से भी यही कॉर्ड है। अब कहाँ कौन सा कॉर्ड लगना है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें अलग अलग प्रकार के भी कॉर्ड्स होते हैं, जैसे मेजर माइनर है, ये मेजर है, अब इसमें ग कोमल कर दिया तो ये ग कोमल हो गया, है ना। तो ये कॉर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, कॉर्ड्स पे पूरी सीरीज मैंने बना रखी है, आप उसको देखिए, आपको जानने को मिलेगा कि कॉर्ड्स क्या होता है और इसमें गिटार और कीबोर्ड में कैसे अलग अलग होते हैं। गिटार के भी कुछ लेसन्स जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैंने बनाए हैं ताकि आप लोगों की मदद हो सके, बेसिक तो एटलीस्ट आपको आई जाए, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें गाते गाते आप देख रहे हैं इसमें लीड कम बजता है और दो हाथ का प्रयोग हो रहा है। आप जैसे ये मैंने दो हाथ से बजाया, अब इसमें मुझे तो प्रॉपर उतना आता नहीं है, है ना, जैसे ये एक हाथ से कॉर्ड लगता है और यहाँ से लीड होता है। अब जैसे ही मैं नी पे आया तो यहाँ ये बजेगा, है ना। अब मेरा हाथ तो हारमोनियम वाला है तो मैं तो हारमोनियम अंदाज में बजा रहा हूँ, पर ये वैसे बजता नहीं है, ये बजता है पूरा कीबोर्ड स्टाइल में। अब वो कीबोर्ड भी आपकी अगर संगत हो रही है तो अलग ढंग से बजेगा, इंस्ट्रूमेंटल सोलो कीबोर्ड है तो अलग ढंग से बजेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि कॉर्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदल जाते हैं।
है ना। अब ये कोई प्रोफेशनल कीबोर्ड अगर अच्छे से बजाया तो वो तो बात अलग ही होती है, मैं तो आपको थोड़ा मोड़ा ही बता पा रहा हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कीबोर्ड या गिटार आना चाहिए, लेकिन हाँ वेस्टर्न की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप पर कोई हावी ना पड़ जाए, भले वो कीबोर्डिस्ट हो या गिटारिस्ट हो, क्योंकि बज वहाँ भी सुर ही रहा है ना, वहाँ भी वही सुर है जो आप गा रहे हैं और बेसिकली वो आप ही के अकॉर्डिंग बजेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो कीबोर्ड वाला हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। या कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें बज रही हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सुर लग रहा है, कौन सा कॉर्ड लग रहा है भाई। अब कई बार क्या होता है, वो लोग कुछ अलग अलग प्रकार के कॉर्ड्स लगा देते हैं, डिमिनिश्ड या ऑगमेंटेड या फिफ्थ या सेवेंथ, ऐसे कॉर्ड लगा देंगे जो कई बार गायकी से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न में होता है। विरोधाभास भी कभी कभार लगाया जाता है, विरोधाभासी सुर भी लगाए जाते हैं खूबसूरती के लिए। तो वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको समझने के लिए भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना, वरना आप कैसे कह सकते हैं नहीं यार ये कॉर्ड यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। वो आप तब कह सकते हैं जब आपको मालूम है कि उस कॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है और उससे क्या एम्बियंस बनता है। अगर कभी कभार होता है कि वहाँ चीज़ तो बड़ी आपकी मेजर की चल रही है, यानी शुद्ध स्वरों की चल रही है, लेकिन वहाँ कॉर्ड पीछे माइनर का चल रहा है, एकदम कोमल सा कोई लगा दिया। अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, है ना, वहाँ पे वो खूबसूरती बनाएगा। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको गिटार या कीबोर्ड में मास्टरी होनी चाहिए, पर हाँ वेस्टर्न का उतना नॉलेज तो होना चाहिए कॉर्ड्स का, ऑक्टेव्स का, स्केल्स का, कि कैसे बज रहा है और कितना बजना चाहिए। और आपको शऊर भी होना चाहिए, उसका सेंस भी होना चाहिए कि नहीं यार ये कीबोर्ड वाला अच्छा बजा रहा है या ये नहीं बजा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो कैसे मालूम होगा जब तक उतनी थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी तो, है ना। बाकी थर्ड स्केल्स की नॉलेज तो उतनी ही ज़रूरी कीबोर्ड वाले को भी है, गिटार वाले को भी है, नहीं तो उसको मालूम नहीं चलेगा अपनी राग अकॉर्डिंग कॉर्ड्स कैसे लग रहे हैं, है ना। अब कई बार होता है कुछ रागों में कॉर्ड्स बन ही नहीं सकते, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल करके बताता हूँ। अभी आप देखिए कि अपनी भूपकली जो है राग है, तो अब इसमें ज़्यादा कॉर्ड्स निकल ही नहीं सकते। जैसे अब ग पे भी यही कॉर्ड लग रहा है, अब रे पे कोई कॉर्ड लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये लगेगा या ये लगेगा, तो इसीलिए वहां पे फिर वो ऑगमेंटेड डिमिनिश्ड इन कॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है जिसमें कोई दूसरे सुर लग रहे हैं, है ना। अब ये कोई कॉर्ड बन नहीं रहा है, ये अब आपके कीबोर्ड वाला भी ऐसे हर कहीं चार हाथ मार देगा तो आपको लगेगा ये तो कॉर्ड बन गया। ऐसा नहीं होता, कॉर्ड का भी एक निश्चित पैमाना होता है कि भाई उसमें तीन सुर लगेंगे, पांच सुर लगेंगे, कैसे लगेंगे, है ना, और वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से है, देखिए मैं कोई कीबोर्डिस्ट नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल कीबोर्ड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत कम कीबोर्ड आता है, लेकिन हाँ मुझे ये नॉलेज है कि कैसे होना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज न होना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, है ना। मैं प्रैक्टिकली नहीं बजाता हूँ, मैंने उसकी इतनी लर्निंग नहीं ली, लेकिन मुझे मालूम है मेरे गाने के साथ कितना चाहिए। मैं तबला भी बजा लेता हूँ अपने हिसाब से, जितना मुझे आता है उतना बजा लेता हूँ, कोई सोलो परफॉर्मेंस मैं नहीं देता, मैं कोई तबला आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी गायकी में कितना तबला चाहिए वो मुझे मालूम है। तो इस प्रकार से चहुमुखी नॉलेज जो है, चहुमुखी ज्ञान जो है, वो आपको होना ज़रूरी है, भले वो तबले का हो, गिटार का हो, कथक का हो, है ना, आपको भाव समझ आनी चाहिए क्योंकि आप संगीत में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार मैं तो खाली खाली गाना गाता हूँ, मुझे क्या पता कि ये क्या चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं हो अपने संगीत में, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, स्टूडियो का भी आप नॉलेज लीजिए, साथ में वेस्टर्न भी सीखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गिटार नहीं आता तो आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। सिंगर बनने के लिए गला चाहिए, दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आपके पास अगर है तो आप एक सिंगर बन सकते हैं, गिटार आए आए ना आए, लेकिन हाँ सीख लीजिए जो वक्त के साथ अच्छा है, क्योंकि ज़माने के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, है ना। आप हर प्रकार की सिंगिंग कर पाएंगे क्योंकि हारमोनियम के साथ एक अलग प्रकार की सिंगिंग होती है, जब आप वेस्टर्न पर गाना गाने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की गायकी होती है, वहाँ स्टाइल अलग है, है ना, इसीलिए वो सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोज़ को, कुछ ना कुछ मैं लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ नया बता रहूँगा। शुक्रिया।